गोली मार दे, इनको गोली मार दी जाए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनू मॉडल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जोधपुर के ओसिया का, जो जोधपुर के पास में जो ओसिया पड़ता है उसकी एक घटना जो सामने आई है दोस्तों, बहुत ही दंग करने वाली घटना है दोस्तों, सबको हैरान करने वाली घटना है कि एक परिवार के अंदर चार लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है दोस्तों, बिल्कुल आसानी तरीके से दोस्तों, बिना सोचे समझे, ना मौत का डर, ना पुलिस का डर, ना किसी सरकार का डर, ना किसी भी आसपास के लोगों का डर दोस्तों। हम बात करेंगे जोधपुर के ओसिया इस पप्पू राम की दोस्तों। ये जो पप्पू दिख रहा है आपको, इसने, ये जो भतीजा है पप्पू राम जो दोस्तों, इसने अपने चाचा चाची और अपनी जो भाभी है और भाभी की जो मासूम जो बच्ची है, इसको मौत के घाट उतार दिया गया दोस्तों। अब मामला क्या था, पूरा मामला मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मामला यह था कि इनका जो जमीनी विवाद भी चल रहा था, दूसरी बात यह है कि इसके जो परिवार के, ये जो भतीजा आप पप्पू को देख रहे हो, इसके किसी ताऊ को या काका को या मामा को, आप देख सकते हो, कोई भी इसके परिवार का जो था, जो बाहर कहीं काम कर रहा था दोस्तों, उसने क्या सुसाइड कर लिया। और तो इस पप्पूराम ने पूछा कि उसका जो सुसाइड करने का जो मतलब कारण था, जो वजह थी, वो क्या थी। जो मृतक का जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो पुनाराम दोस्तों, ये जो इसका चाचा है, यानी ये जो इसका जो चाचा है दोस्तों, इसने बताया, गुस्से गुस्से में इसने बोल दिया कि हमने ये जो कार्रवाई है वो करवाई है, जो मरवाया है दोस्तों। उसके बाद में इसका जो गुस्सा है वो फूट पड़ा दोस्तों। सुनने में, दिखाने में बताया जा रहा है दोस्तों कि इसका गुस्सा फूट पड़ा दोस्तों। जो पप्पूराम है, जो मृतक का, जो जिसने सुसाइड किया था, उसका जो भतीजा है दोस्तों, इसने क्या किया, अपने ताऊ ताई और अपनी जो भाभी है, और भाभी तो छोड़ो दोस्तों, इस मासूम बच्ची की क्या गलती है, जो अपनी नई जिंदगी शुरुआत की है इसने, जो नई नई दुनिया के अंदर इसने पैर रखा था दोस्तों। तो ऐसे लोगों को मैं तो बस यही कहूंगा दोस्तों कि ऐसे लोगों को ना तो सरकार बख्शे, ना पुलिस बख्शे, इनको सीधा डायरेक्ट गोली मार दे, इनको गोली मार दी जाए दोस्तों। अगर इन लोगों को आप पुलिस में गिरफ्तार करवा देंगे या फिर इनकी जो जमानत करवा के वापस इनको छुड़ा लोगे, तो ऐसे अगर चलता रहा तो देश भर में ये जो कांड है वो बिल्कुल खुलेआम होने लगेंगे दोस्तों, क्योंकि पुलिस का भय लोगों से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों, जमानत होकर ये जो वापस जो आ जाते हैं ऐसे लोग, उन लोगों के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए दोस्तों। तो पुलिस प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए दोस्तों कि ऐसे लोगों को सीधा डायरेक्ट क्या करना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो चार मासूमों की इस बंदे ने जो जान ली है, बिना खौफ मंजर को अपने, बिना किसी डर के, खौफनाक मौत का जो इसने मंजर अपने ही परिवार के लोगों को बताया जा रहा है कि ये लोग सो रहे थे दोस्तों, और इनकी जो जो गांव ढाणी बताई जा रही है दोस्तों, उस ढाणी के अंदर एक झोंपड़े में सो रहे थे, कोई बाहर सो रहा था तो कोई अंदर सो रहा था दोस्तों। और जैसे ही इसको पता चला, पहले तो जमीनी विवाद भी चल रहा था दोस्तों, अक्सर परिवारों में लड़ाई जो होती है, जमीनी विवाद और ऐसी छोटी मोटी जो लड़ाइयां हैं, हर परिवार में रहता है, और ज्यादा है इंडिया के अंदर तो बहुत कुछ ज्यादा ही है दोस्तों। अपने राजस्थान भारत में ये जो परिवारों वाली जो लड़ाई झगड़े की जो बातें हैं वो अक्सर होती रहती है। तो इसी कारण से इस पप्पू, जो पप्पूराम जो भतीजा है दोस्तों, इसने, इस एक बंदे ने इन चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ना इसको किसी चीज का डर दोस्तों, गुस्सा इतना था इसके अंदर कि इन लोगों की इसने परवाह नहीं की दोस्तों। यही इसके परिवार के लोग थे, कोई दूसरा नहीं था दोस्तों। लेकिन पहले चाचा को मारा, दूसरा इसने क्या किया, अपनी चाची को मारा, तीसरा जो भाभी है, और चौथा जो नहीं ये जो बच्ची, मासूम बच्ची आप देख रहे हो दोस्तों, इसको मौत के घाट उतारा दोस्तों। सीधा गोली मार दी जाए दोस्तों, ना किसी प्रशासन को सौंपा जाए या किसी भी को कार्रवाई ना कर दी, डायरेक्ट गोली मार दी जाए दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा एक दो बार अगर हो गया, जिस तरीके से यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ कोई भी अगर कोई काम होता है दोस्तों, कोई जैसा करता है उसके साथ वैसा वो कर देता है, तो पूरा यूपी सुधरा हुआ है दोस्तों। उसी तरीके से हमारे राजस्थान या हिंदुस्तान में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए दोस्तों।
हमारे जिले के अंदर भी ये चीजें अगर नहीं हुई तो ऐसा ही मंजर चलता रहेगा दोस्तों। ऐसी घटना आपको डेली देखने को मिल सकती है क्योंकि लोगों के अंदर डर रहा नहीं, पुलिस का तो बिल्कुल डर इनके पास रहा नहीं। तो प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए दोस्तों कि ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बख्शे दोस्तों। तो मेरा बस यही कहना है कि ऐसी घटनाएं अगर दोबारा हमारे सामने आती है दोस्तों, तो हमारे जैसा अगर ऐसी घटना दोबारा हमारे सामने ऐसे आती रहेगी दोस्तों, तो ये पूरा जो राजस्थान है या पूरा देश है, तो इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं का अंजाम दोस्तों हमें भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर इनका कुछ ऐसे लोगों का कुछ नहीं हुआ तो ऐसे ही ये घटना को अंजाम देते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ऐसे लोगों सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए दोस्तों और कानूनी तौर पर इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। अब मृतक को जिस तरीके से इसने इन लोगों को मारा है, यानी इनकी जो घर है, जो झोंपड़ी है, पेट्रोल से यानी तेजाब से जला के कैसे भी इसको राख कर दिया गया दोस्तों। तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप इतने सतर्क रहे दोस्तों कि ऐसी घटना कभी भी दोबारा किसी के साथ ना हो दोस्तों। तो धन्यवाद, नेक्स्ट अपडेट में जरूर मिलेंगे। जय हिंद।